हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की बड़ी खबर, दोस्तों आईपीएल 2024 का आज 59वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला जाएगा। तो दोस्तों क्या होगी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और कौन सी टीम यहां पर बाजी मारेगी यानी कि जीतेगी, इस वीडियो में जानने वाले हैं। और दोस्तों साथ ही साथ जानेंगे, अगर आप ड्रीम 11 पर मजबूत टीम बनाना चाहते हैं तो इन खिलाड़ियों को चुनकर बनाए 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए जीतने का चांस है। तो दोस्तों इन खिलाड़ियों को चुनेंगे तो आप जीत सकते हैं ड्रीम 11 में और विजेता बन सकते हैं 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए तक के। तो दोस्तों कौन कौन से खिलाड़ियों को चुनना है इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ जानेंगे कौन से स्टेडियम में और कितने समय और हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है दोनों टीमों के बीच। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप मैच टॉप स्ट्राइकर की सटीक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप अंकित भाई से संपर्क करें। इनका काम बहुत ही बेहतर है, मैंने खुद इनका काम चेक किया है, एक बार इनसे संपर्क जरूर करें। इनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 के आज 59वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। दोस्तों आपको बता दें कि ऋतुराज की कप्तानी में चेन्नई ने 6 मैच जीते हैं और 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों जबकि सुमन गिल के नेतृत्व में गुजरात टाइटंस ने 4 मैचों में जीत मिली है और 7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों आपको बता दें कि चेन्नई और गुजरात के बीच आईपीएल में अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें चेन्नई को 3 मैचों में जीत मिली है और गुजरात को भी 3 मैचों में जीत का सामना करना पड़ा है। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2024 की पहली विंडस में चेन्नई सुपर किंग ने 63 रन से गुजरात टाइटंस को हराया था। दोस्तों आईपीएल 2023 में दोनों टीमों ने 3 बार मुकाबले खेले थे, जिसमें से 2 मैचों में चेन्नई को जीत मिली थी और सिर्फ 1 मैच में गुजरात टाइटंस ने अपने नाम किया था। दोस्तों चेन्नई ने अपने पिछले मैच में पंजाब किंग को हराया था, उस मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 167 रन बनाए थे। और दोस्तों जवाब में पंजाब किंग की टीम 139 रन का स्कोर ही बना सकी, चेन्नई की टीम बिना कोई बदलाव करे उतर सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात को अपने पिछले मैच में रॉयल चैलेंज बेंगलोर के खिलाफ 4 विकेट से हार मिली थी। दोस्तों चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए उस मैच में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 147 रन पर ढेर हो गई। दोस्तों गुजरात की टीम अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। तो दोस्तों क्या है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग की संभावित प्लेइंग 11 अजिंक्य किनाने, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, डेरियल मिचेल, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी विकेटकीपर, मिचेल सैटनर, सरदू ठाकुर, रिचर्ड क्लीसन और तुषार देशपांडे। दोस्तों गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11, रिद्धिमान साहा विकेटकीपर, सुमन गिल कप्तान, साई सुदर्शन, डेविड मिलर, शाहरुख खान, राहुल तिवरिया, राशिद खान, मानव सुधार, नूर अहमद, मोहित शर्मा और जोशुआ लिटिल। दोस्तों ये दोनों टीमें आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेलेंगी और दोस्तों यहां पर चेन्नई सुपर किंग जीतेगी। जी हां दोस्तों, यहां पर चेन्नई सुपर किंग जीतने की संभावना है। तो दोस्तों अगर आप 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए तक जीतना चाहते हैं तो इन खिलाड़ियों को चुनकर अपने ड्रीम 11 बना सकते हैं। तो दोस्तों ये कौन कौन से खिलाड़ी हैं? दोस्तों विकेट कीपर रिद्धिमान साहा और महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों बल्लेबाज सुमन गिल, उप कप्तान शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन। दोस्तों ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और राहुल तिवरिया। दोस्तों गेंदबाज राशिद खान, कप्तान तुषार देशपांडे और शार्दुल ठाकुर। दोस्तों इन खिलाड़ियों को चुनकर आप अपनी मजबूत ड्रीम 11 बना सकते हैं और आपको इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि चेन्नई और गुजरात के बीच ये होने वाला मैच गुजरात के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और दोस्तों इस मैच को आप भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे स्टार स्पोर्ट नेटवर्क और जियो सिनेमा ऐप पर लाइव बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग जीतेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आईपीएल 2024 59वां मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? दोस्तों चेन्नई जीतेगी या फिर जीतेगी गुजरात? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना आईपीएल के ताजा अपडेट जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।